नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम वीर में। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सी टैट के ऊपर रहने वाला है। सी टैट के जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, और सी टैट कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी बताऊंगा, और कौन कौन बच्चे सी टैट को डाल सकते हैं इन सब बिंदुओं की दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप सभी तक दोस्तों भविष्य में पहुँच सके। अब देख लेते हैं भाई, अगर मैं बात करता हूँ सी टैट की, तो जो स्टार्ट हुआ है वो 27, देखिए 27 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मई 2023 है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार, और देखिए यहाँ एग्जाम उग्जाम सब कुछ इसने चर्चा की है सी टैट की। ये बहुत अच्छी बात रहती है कि ये सब कुछ पहले ही बता देता है कि देखिए स्टार्ट हुआ 27 से लास्ट है, और यहाँ पर अगर आप पसंदीदा शहर चाहते हैं तो आपको पहले अप्लाई कर देना चाहिए था, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अपने आसपास के सिटी को भी देख सकते हैं। बाकी देखिए एग्जाम डेट जुलाई और अगस्त के अंदर होना है। ठीक है, बाकी फीस भी आप देख सकते हैं, आप एक बार फीस देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं भाई, लेवल फर्स्ट एंड लेवल टू। लेवल फर्स्ट बोले तो प्राइमरी लेवल, लेवल फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्राइमरी लेवल के होते हैं। अगर आपको केंद्रीय विद्यालय के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर प्राइमरी का टीचर बनना है, केंद्रीय विद्यालय के अंदर दोस्तों प्राइमरी का टीचर बनना है, या फिर दिल्ली के अंदर आपको DSSSB के अंदर प्राइमरी का टीचर बनना है, तो आपको लेवल फर्स्ट का सी टैट चाहिए, या फिर आपको दूसरे स्टेट में डालना है, अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में जाना, तब भी आपको दोस्तों यहाँ सी टैट चाहिए। दूसरे स्टेट के लिए कोई भी टैट वैलिड नहीं होता जो आपके राज्य के द्वारा कराया जाता है। टैट बोले तो राज्य की परीक्षा, और सी टैट बोले तो सेंट्रल की परीक्षा, ये ध्यान डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं नवोदय विद्यालय की बात करता हूँ, NVS की बात करता हूँ, देखो KVS की बात करता हूँ, और DSSSB की बात करता हूँ, DSSSB की बात करता हूँ, आर्मी स्कूल की बात करता हूँ, तो यहाँ सब दोस्तों आपको सी टैट चाहिए। ठीक है, यूपी के अंदर भी अगर आपने सी टैट पास कर रखा है तो आपको टैट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने यूपी के अंदर या फिर भी किसी स्टेट के अंदर सी टैट पास नहीं कर रखा है और आपने राज्य का टैट पास कर रखा है, तब आप वैलिड है। बाकी देखिए ये कंडीशन दी हुई है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। बाकी देखिए आप जितने भी कंडीशन है एक बार पढ़ के देख लीजिए, और आपके समझ में नहीं आती है दोस्तों तो आप हमें बताइए, मैं आपको बता दूंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा। ये कुल मिलाकर 6 हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए बढ़िया तरीके से, अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 में क्या होता है दोस्तों, अगर आप जूनियर लेवल के लिए या फिर TGT लेवल के लिए, जूनियर लेवल के लिए TGT लेवल के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है अभी जूनियर लेवल के लिए TGT लेवल के लिए आपको अपर प्राइमरी का सी टैट निकालना है। देखिए ये भी कंडीशन दी हुई है अभी, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में एलिमेंट्री एजुकेशन में, और 50% मार्क के साथ में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd, आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप वैलिड हैं। और वैसे भी सी टैट का एक नियम है कि आपने अगर एडमिशन ले लिया है, नियम चेंज कर दिया सी टैट ने, और आपका अगर पहला दिन भी है तब भी वैलिड है सी टैट, और सी टैट की जो वैलिडिटी है वो आजीवन है। ये साथ सभी के सभी साथी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं दोस्तों तो आपको सिर्फ एक ही बार सी टैट निकालना है, बार बार सी टैट देने की जरूरत नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब बाकी देखो बात कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं सी टैट का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान है बाकी उन साथियों के लिए जो OBC कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एक तरीके से बात समझना आप। जो OBC से आते हैं दोस्तों, अगर वो DSSSB के अंदर फॉर्म अप्लाई करते हैं तब दोस्तों उन्हें जनरल के अंदर सी टैट पास करना पड़ेगा, उन्हें OBC के अंदर सी टैट पास नहीं करना है। OBC वाले स्पेशल रूप से देख लें, अगर आप OBC से आते हैं और आप DSSSB के अंदर, देखो DSSSB के अंदर अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, चाहे PRT TGT, ठीक है भाई, PRT TGT कोई सा भी आप फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आपको क्या पास करना है अभी, आपको जनरल के अंदर UR के अंदर सी टैट पास करना है, मतलब आपको 90 नंबर लाने, अगर आप आते हैं तो आप UR के अंदर फाइट करते हैं। अगर आपके 89 नंबर भी है तो आप परीक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं। और हमारा एक साथी दोस्तों अभी रिसेंटली के अंदर जो DSSSB की परीक्षा हुई थी उसके अंदर वो OBC कैटेगरी से आता था, और दिल्ली के अंदर एक नियम है कि जो OBC का है, दिल्ली वाला OBC है वो तो OBC माना जाता है, बाकी दिल्ली जो है दूसरे स्टेट के OBC को एज ए जनरल काउंट करता है, ना कि OBC।
तो दोस्तों वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज़ आपको, ई डोजियर के अंदर भारी कर दिया गया था। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप केवीएस के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, डी ट्रिपल एसवी के अंदर, देखो केवीएस के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, एनवीएस के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप आर्मी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, या फिर किसी और स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तब भी आपको सीटेट पास होना चाहिए। देखो वो लेवल है, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना पास चाहते हैं तो आपको लेवल फर्स्ट, और अगर आप जूनियर का लेवल या टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको लेवल टू पास होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखनी है। बाकी देखो मैं एससी एसटी के लिए बता देता हूँ, एससी एसटी के लिए चाहे आप डी ट्रिपल एस में टीचर बन जाइए, चाहे आप अपने खुद के स्टेट में, या फिर आप एनबीएस के अंदर केबीएस के अंदर, तो आपको दोस्तों पूरे वैसे नंबर चाहिए, पूरे वैसे नंबर चाहिए, मतलब 55% नंबर आपको चाहिए। वैसे ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो भी दोस्तों 82% है, ओबीसी का भी 82% है ओबीसी का, लेकिन यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसका भी 82 है, लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, एक कंडीशन यहाँ पर एक ये है कि आपको डी ट्रिपल एस बी के अंदर ओबीसी वालों को जनरल के अंदर सीटेट पास करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये। बाकी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप दूसरे स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप यूपी से हैं, उत्तराखंड के अंदर टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, बिहार के अंदर टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, तब आपको उसके लिए सीटेट पास होना चाहिए, आपके राज्य का यहाँ टेट दोस्तों काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है दोस्तों आप हमें बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जय हिंद जय भारत।